6.5 घंटे तक बोकारो स्टील का उत्पादन रहा ठप, मजदूरों ने किया हड़ताल। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों ने अपने सम्मानजनक वेतन समझौते की मांग को लेकर प्लांट का उत्पादन सुबह 6 बजे से 11.30 बजे तक ठप कर दिया। यह आंदोलन क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मजदूरों ने संयंत्र के अंदर प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया तथा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उत्पादन ठप होने की सूचना मिलते ही सेल के चेयरमैन सोमा मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने आश्वासन देने के बाद मजदूरों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। सोमा मंडल ने कहा कि अप्रैल के अंत तक मजदूरों के लिए सम्मानजनक वेतन समझौता कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर लंबे अरसे से आंदोलनरत है। जब जब आंदोलन होता है तो महज आश्वासन दिया जाता रहा है। यह आंदोलन कंपनी के भीतर हुआ है। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।